फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम जो देखेंगे वो है पीएम मोदी सैवेज एटीट्यूड रील्स। अरे वाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 5 साल पहले कोई सुनता नहीं था, जिसकी 10 राज्यों में सीटें नहीं आती थी, जिसका नाम तक लोग ये देख रहे थे, अब इनके पास कोई सामान ही नहीं बचा। पूरा दृश्य बदल दिया। एक आदमी ने फील्ड में उतर के नजारा ही बदल दिया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी, नीरव मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मानहानि मामले में राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया अभी तो। गधा, बकरी, लोमड़ी, सुअर, कुत्ते जब एक घाट में पानी पी रहे हो ना, तो समझो दूसरे घाट पे शेर खड़ा है। मनमोहन सिंह अकेले खड़े हैं कोने में, वही बात है। बड़ा दुख होता है देख के। ये भाई, ये आई को पीछे से ये जो भाग नहीं आ रहा है, ये तो भाई से ये ना, मतलब बहुत ही अच्छा गाइस। और दादा देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा। उस टाइम उस दिन 24 जनवरी थी, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक पे होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। और देखो किया भी उन्होंने। ये है अमेजिंग। ये कह सकता हूँ पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। ये वही तो, ये देखो, कोई कैसे बोल सकता है मोदी जी के खिलाफ। बस सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन रहे हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। मोदी जी वो एक्टिंग कर रहे हैं, ये दिल से कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। ओ कौन है? जो बाइडेन है क्या? ये सब गिर रहे हैं, कह रहे हैं क्या? ऐसे मतलब गेम घूम खेल रहे होंगे ना, गिर गए। ओए होए, ये कौन था? मोदी जी। अरे वाह, ये कब की है, ये कब की है? मोदी जी भी अच्छा देखी है मैंने, शर्म लग रहा है देख। अरे वाह, अरे वाह। The great religious teacher Swami Vivekananda. My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. ये क्या दिखा रहे हैं? सही जवाब दिया बहुत अभी। ये मोदी जी की है? नहीं, चाइना वाले, चाइना। ये हमारी है। और देखो ऊपर से कितनी अच्छी लग रही है। ये 26 जनवरी की होगी मोस्ट लाइकली, कि 15 अगस्त की, 26 जनवरी। प्राइम मिनिस्टर, बिफोर द लास्ट टाइम आई सॉ समवन ऑन द
stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. We're in bother time. Prime Minister Modi is the boss. क्राउड देखो हम मोदी जी को यूएसए फिर से आना चाहिए एक बार और मोदी मोदी का भी दिखा है वो भी बहुत और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी गाने वाजपेयी जी जब मिले थे तब क्या हुआ था मोदी जी का दिखाएंगे देखना डिफरेंट होगा मजेदार होगा ये देखो ये देखो ये सरकार को पीछे खिंचवाना बहुत बड़ा बात नहीं है मोदी जी को पीछे खींचना बहुत बड़का बात है क्या मोदी जी को पीछे नहीं घर सकने वाले जहर का घोट पिए होंगे बहुत मुश्किल है बहुत कड़ा एक्शन लेते हैं एक बार अगर वो बोल दिए मतलब बोल दिए उनके मंत्री लोग में हिम्मत ना है बोल देंगे ऐसे नहीं ऐसे होगा झाड़ देते हैं 2 मिनट में यहाँ पे अगर खाना पीना ठीक से ना हो तो उसमें थोड़ा सूखापन थोड़ा ढीलापन लगता है लेकिन किसी हालत में भी कोई इंसान को अपना ऊंचाई नहीं घटते ऐसा कांग्रेस पार्टी की ऊंचाई ऐसा ही है कि हमारा गिरता नहीं चाहे हमें कुछ दुबला पतला हो सकते ऐसा बात नहीं हमारा 52 मेंबर्स है इसका मतलब दुबला पतला तो हुए हैं इसका मतलब ये नहीं ऊंचाई हमारा कभी गिरने वाला है यहाँ कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई काम नहीं करता ऐसी गलती हम नहीं करते हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद हमारी लकीर लंबी करने के लिए और सुना क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो बिल्कुल वेरी नाइस हेटर्स ऑफ मोदी ये मोदी जी बोलते रहते ऐसे बोलते हैं ये देखो डॉट वाले लोग ये कॉमन मैन जिसको दिख रहा अपना देश बदलता रहा है ये मोदी जी जो बाइडेन क्या दिखा रहे हैं लोग मोदी जी बात है कुछ तो है अरे पॉकेट में भी क्या फैन लग रहा है मजा आ गया बड़ा ही मजेदार था मजा ही आ गया देख के एक से बढ़कर एक थे और डिफरेंस भी दिखाया कि कैसे पास्ट में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स मनमोहन सिंह जी को देखिए कितना वो था कैसे एम्बैरेसमेंट आई कितनी एम्बैरेसमेंट थी चुपचाप एक कोने में खड़े रहना वो सब और अब देखो थिंग्स हैव
चेंज। अब तो लोग खास आके, देखा था ना वो वीडियो में, कि खास आके हैंडशेक करते हैं मोदी जी के साथ। दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि मोदी जी इतनी जबरदस्त दोस्ती करते हैं कि हर एक को होता है प्यार से जीत लिया सबको। मेरा दोस्त कौन है, अपने दोस्त के पास जाते हैं। इतने सारे लोगों में से जैसे सबसे ज्यादा उन्होंने दोस्ती की है, ये ग्रेटनेस बात सबके साथ। देखो वहां जो बाइडन को भी दिखाया कि कितने प्यार से मिले, वो भी खास जो बाइडन आए कि इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी, और वहां पे पुतिन का भी दिखाया कितने प्यार से। कोई सोच सकता है पहले मिस्टर ट्रंप के साथ दोस्ती हुई थी, लोग बोलते ट्रंप के साथ दोस्ती, एक बाइडन है उससे नहीं होगी, वो भी हुई, ये भी बात है। जो भी आ रहा है, जो भी जिस कंट्री का हेड है, मोदी जी उससे अपनी रिलेशनशिप बहुत अच्छी करते हैं, दैट इज अ ग्रेट। और ऐसी रिलेशनशिप हमने पहले किसी भी लीडर इंडिया के, किसी से, कनाडा वालों से, मिस्टर मैक्रों फ्रांस वालों से, हर जगह ऑस्ट्रेलिया वाले, जहां पे जाओ वहां पे मोदी जी इतनी जबरदस्त मिलते हैं कि वहीं दोस्ती रहती है, विच इज अ ग्रेट थिंग। यार दिल खुश हो गया, मजा ही आ गया ये देख के, बहुत ही मजा आया। तो चलो आप ही बताना आपको कैसा लगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।